वेंकटरमण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस में पब्लिक सर्विस इंक्वायरी एक्ट 1961 के तहत एक जांच कमिश्नर के द्वारा अभियुक्त के खिलाफ विभागीय जांच की गई और उसके परिणाम स्वरूप उसको बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और इंडियन पेनल कोड के तहत भी कार्यवाही शुरू की गई। उसको अभियुक्त ने कोर्ट में चैलेंज किया कि डबल जेपर्डी के हिसाब से कि एक ही अपराध के लिए दो बार प्रोसिक्यूशन कैसे हो रहा है। तो उस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो पहले पब्लिक सर्विस इंक्वायरीज एक्ट के तहत जांच हुई है वो विभागीय जांच हुई है, और विभागीय जांच में जो जांच के बाद सामने आया उसके अनुसार उस पर कार्रवाई करते हुए उसको बर्खास्त किया गया है, और इंडियन पेनल कोड और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो कार्रवाई की जाएगी वो दंडनीय कार्रवाई अलग कार्रवाई है, इसलिए इसमें अभियुक्त को डबल जेपर्डी का जो प्रोटेक्शन है वो नहीं मिलेगा।